कोई नीचे लगा दे, अल्लाह ने मेरा दिता सोने के होगा। वो कौन है जी, वन एंड ओनली हमजा। हमजा को उस लिटरली मेहमान को भी बिठा दें, वो खड़ी हुई है। ये अल्लाह आपको हमारा सुनती फर्नीचर नहीं कैसा लग रहा है? अच्छा है। प्लीज गटरी पकड़ लो, तो माई लुक कंप्लीट हो हाँ जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी पकड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मैंने आपको कहा था कि आज हमारे घर में आखिरी दिन है और अभी हम जा रहे हैं अपने नए घर में, इंशाल्लाह वहीं पे हम रहेंगे। ये मैं जाय नमाजे लेके जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, ये रुशा तुम्हारी गठड़ी है, ये मेरा गठड़ा है जी। रुशा आप बेटा, क्या आपने क्या पकड़ा हुआ है? मैं जा रही हूँ गाइस, अपना सामान पकड़ के जी। तो ये भी तुम्हारी गठरी है, तुम्हारा सारा यूनिफॉर्म है। ये ले, ये डंडे पे लटका दे बस, आप जितने आपके पास और जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी ये चीजें काम आती है। मैं कहती क्या भाई, सीढ़ियां तो चढ़ना पौंदा, अल्लाह ताला इन्हां कोई नीचे आला घर दे। अल्लाह ने दिता घर, बड़ा सोहना दिता, शुक्र है अल्लाह का। बस इतना दूर हो जाना मैं ना पता, अल्लाह ताला उत्थे तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। आमीन, खुशियां वेखो उस घर। आमीन आमीन। ये कमरा आपका ही है नीचे? कमरा आपका है, आपने उधर आना मेरे पास लेना। नहीं बस ठीक है, जे कुछ अल्लाह दो को मैं ठीक है। नहीं बच्चे को ही तो आप खुशी राम घर बनाए, अल्लाह की जात पाक नसीब करे है, अल्लाह ताला खैर कर। क्या हुआ, कभी इतना दूर नहीं गई? डेरे पे तो रही थी ना। आज तो वही तो बता रहे ना, चले बेटा। क्या हो रहा है, आप परमिशन पे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे आखिरी बार जाते हुए देख। अस्तगफुरुल्लाह, तो आखिरी बार क्यों आई हो? स्टॉप। अब मैं कह रही हूँ, पूरी जिंदगी तो मेरी इन सीढ़ियों पे ही उछलते कूदते गुजर गई है, सब कजन्स के साथ। सब कजन्स के साथ, हाँ स्लाइड लेते थे। आटा जो है वो हमारा एक घर में पड़ा हुआ है, और चूल्हा जो है हमारा एक घर में पड़ा हुआ है। जो एक चूल्हा उसको माशाल्लाह गैस का कनेक्शन ही नहीं है। मम्मा तो बाबा को भेजा हुआ है नान जा के लिए, है ना? ऐसे ही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना, तुम कहती तुमने स्कूल जाके सिर्फ रुशे ने पिज्ज़ा खाया हुआ, और मेरी गोद में मेरा लैपटॉप है। मैं भी कहती मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और साथ ही थोड़ा बहुत खाना और सिलेंडर भी माशाल्लाह इधर रखा हुआ है। ऐसे हमारे सिलेंडर रखा था गाड़ी पे, अभी तक रो रही है। घर से जब हम निकले हैं तो वहाँ पे कोई किसी किस्म की धुंध नहीं थी, लेकिन और जब हम अपने टाउन में आते गए हैं तो यहाँ पे माशाल्लाह से धुंध ही धुंध है हर तरफ, जहाँ तक नजर जाए धुंध ही धुंध है। ठहरे मैं आपको ना दिखाती हूँ एक दफ़ा, सिर्फ आप धुंध के हालात चेक करें। अच्छा ये आधे शहर में है और आधे में नहीं है, ये स्मोक नहीं है, ये है भी धुंध। आज हम गैरेज में ही अपनी गाड़ी में आए, एक झूला और बनता है पापा, हम एक और झूला दे रहे हैं। अब ये वाइज ले रही है कि हमारे पास गैरेज है, पीछे पीछे पुलिस है, पीछे पुलिस है, पुलिस वाले भी आ गए। ये चबल क्या कर रहे हैं, गाड़ी अंदर पार्क कर रहे हैं। अब हम सिटी वाला नहीं आया, और जी सोने की बारी आई है। तो ये नए मैट्रेस पे यहाँ पे जो ड्रामे कर रहा है सोने के, वो कौन है जी? वन एंड ओनली हमजा। हमजा को लिटरली मैंने 2 बजे से सुलाया हुआ है कमरे में, और वो इसी वजह से कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नए घर की खुशी में नींद नहीं आ रही। और जी ऐसे अभी सारे बेड जो है वो यहाँ पे पड़े, अभी ये फिक्स होना है, कल तक हो जाएंगे। हमजा हैप्पी हो? और जी इस साइड पे ये अभी मैं अभी अपना सेट करती, मैं यहाँ पे सोऊंगी साथ जी। मैं अपनी ताकत के लिए वहाँ पे माइलो पी थी, जो मैंने अभी स्पेशली वीडियो के रखे। और जी ये जो इस कमरे का मैट्रेस है उस पे मामा और आप ही सोएंगे, लाइक ये मैं हूँ। मैंने अपना अलहदा इसलिए किया क्योंकि मैंने सुबह अभी जल्दी उठना है, सुबह मैंने स्कूल भी जाना है। रात के तकरीबन 2 हो गए हैं, और अभी हमने मैट्रेस वगैरह जो है वो इस तरह नीचे बिछा ली है, क्योंकि इंशाल्लाह फर्नीचर हमारा कल आएगा। और सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, रुशा यहाँ पे सो रही है मास्टर बेडरूम के अंदर, रुशा सोएगी यहाँ पे, और मैं और लाइका सोएंगे यहाँ पे। किचन का मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ कि किचन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना काफ़ी 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 सेट कर ली है, बाकी हर तरफ सामान ही सामान है। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो सो रहे हैं, और बस मैं आपको किचन दिखा दूँगी। आज मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो रात 2 बजे तक ना मैंने किचन सेट की है, ये देखें ठीक है।
अभी ये बास्केट न्यू लेनी है, ये अभी लूँगी। ये फ्रिज यहाँ पे रख दिया है, अभी तक चूल्हे को नहीं निकाला, बस सिर्फ इतना सेटअप कर दिया कि सुबह उठ के ना हम नाश्ता बना लें बच्चों के लिए। तो जब बच्चों का नाश्ता बन जाएगा उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला बाकी का करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो किचन है ना वो हमारा सेट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर लगने लगी है अभी वॉल क्लॉक, ये वाली जो कि मैंने ऑलरेडी लेके रखी हुई थी। काफ़ी सामान शामान समेट रहे हैं, अभी जा रहे हैं बस फर्नीचर लेने के लिए। मलाइका वो भूख से बुरा हाल हो गया हम सब का ही एज़ यूजुअल, और वो बिल्ली हमारे घर के बाहर आके बैठ गया। अब तुम्हें बिल्ली की फिक्र रहनी है ना, तुम्हें घर की रुशा फिक्र होनी है ना, तुम्हें किसी और दुनिया के बंदे की। बिल्ली डब्बे वाला दूध पी सकती है? जाके दे लो उसे, तुम जाओ जाके उसे मिल्क पैक का डब्बा ही दे हो। मेरी औलाद को और कोई फिक्र नहीं, अब इनको उस बेचारी बिल्ली की, अब वो मेरा ख्याल से हम ही पाल लेंगे यहाँ पे हम आ गए ना। पुलाव बहुत अच्छा बन जाएगा रुशा की नई बिल्ली। बिल्ली होगी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और नासा बजी ने कहा कि वो खाना लेके आएंगी, अभी तक मैं वेट कर रही हूँ कि वो खाना ले आए। घर शहर साथ साथ हम समेट रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चले जी अब अल्लाह का शुक्र है हम इधर आ गए अपने घर में। साथ साथ काम शाम चल रहे हैं, मेरे ना अपने कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है घर का काम कर करके, क्योंकि कभी इतना काम शायद आदत नहीं है या फिर काम बाकी बहुत ज़्यादा था। हालांकि हेल्पर्स भी हैं, लड़के भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी काम शाम बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ गैरेज में, आके धूप में बैठ जाती हूँ ताकि थोड़ा सा ना वो अपनी तबीयत भी अभी तक टोटली मैं सही तरह ठीक नहीं हुई, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। मास्क वगैरह भी लगा लेते हैं अब बाहर, बस व्लॉग कैमरा उठाती जाऊँ साथ साथ लाने लग पड़ते हैं। लेकिन अभी मैंने फर्नीचर लेने के लिए जाना है, तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने फर्नीचर में क्या क्या लिया। हल आपको हमारा फर्नीचर कैसा लग रहा है? हमारा फर्नीचर कैसा? बस ये अभी घर के यही हालात है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक तो हालांकि इतना माशाल्लाह ज़्यादा खाना बना के लिए आई। नहीं नहीं बहुत मजे का लग रहा है। उस मेहमान को भी बिठा दें, वो खड़ी हुई है। ये ऊपर वाले टीवी लाउंज के लिए हमने टेबल मंगवाया, साथ ग्रीन ग्रीन उसमें शेड है, और मामा लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जब तक डाइनिंग नहीं आएगा ना तब तक आप लोगों ने इधर ही खाना खाना है। और एक आपको मजे की बात बताती हूँ, खाना इतना बाजी लाइन थी कि रात को भी हमें साल का दिन भी बहुत है। मैंने कहा मैंने कोई चीज़ नहीं खानी, सुबह में KFC मंगवा दी। ओके गाइस, ये हमारा सोफ़ा आ गया, ये हमने इस ट्रिप लॉन्च के लिए लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थोड़ा लाइट कलर है मेरे ख्याल से, अब हम इस पर सोफ़ा कवर बिछाएंगे। हमने ये इसलिए पसंद किया था, हमें इसकी सीट मुझे स्पेशली इसकी बहुत बड़ी बड़ी लगी थी ना। और ये हमने किस पेज से लिया उसका आप थोड़ा सा जो क्लिप है ना आप लोग बेशक देख, किस हमने शॉप से लिया आप उसका थोड़ा सा क्लिप जो है आप देख लें। नेक्स्ट मैंने टीवी लाउंज के लिए जो है वो फर्नीचर लेना था, सोफ़ा लेना था एल शेप के अंदर। तो मैं देख रही थी जिसको भी मैं ऑर्डर का कहती थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाते थे। तो मैं इस शोरूम में जब गई तो मैं देख के हैरान रह गई कि इनके पास इतनी अच्छी मॉडर्न और इतनी ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी थी। चाहे आपने फैंसी लेनी है, चाहे आपने कैजुअल में लेना है, चाहे आपने टेबल लेना है, चाहे आपने जो भी चीज़ लेनी है ना। तो जो मैंने सोफ़ा पसंद किया वो मैंने किया जी गोगा ब्रदर सोफ़ा मास्टर से, और ये मेन बाज़ार में इनकी है, बहुत रीज़नेबल और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है इनके पास। अच्छा मैं सोचती थी कि जब भी घर का थोड़ा बहुत काम किया करूँगी ना तो पार्क में आके बैठ जाया करूँगी, और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता पार्क में। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिलता। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फर्नीचर मैंने जहाँ जहाँ से बाई की हैं चीज़ें वो मैं आपको साथ साथ अपडेट देती रहूँगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहे। मेरी बहनें जो ख़रीदना चाहती हैं वो ज़रूर जाके अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदें। और बस कोई हाल नहीं है इस टाइम थकावट से और काम कर करके, लेकिन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखा करें और हमें भी दुआ में याद रखा करें। आपकी जो दुआएं हैं वो मुझे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हिम्मत देती हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।